अब यू इवन से औरंगजेब उनको भी ले आते हैं आप तो फिर कैसे हुआ फिर कि सिर्फ विकास औरंगजेब और विकास तो दूर तक दूर दूर तक उनका उसका कोई रिश्ता नहीं है हमारे विकास में औरंगजेब रोड़ा है देखिए मैं आ, कैसे मैं मैं, मैं मैं, बता रहा हूँ उनको मरे बड़े साल हो गए <laughs> वही मैं कह रहा हूँ मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या होता है कि कई बार नेशनल मीडिया और स्पेशली इंग्लिश मीडिया ये हमारे मराठी के भाषणों को पूरा सुनता नहीं है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज कोट कर देता है और फिर वही एक नरेटिव बनता है मैंने क्या कहा था कि देखिए अचानक महाराष्ट्र में कुछ जिलों में औरंगजेब का स्टेटस रखना शुरू हो गया उनके फोटो लगने शुरू हो गए उनके फोटो लेकर प्रोसेशन निकलना शुरू हो गया तो औरंगजेब तो कोई हमारे हीरो नहीं है और भारतीय मुसलमानों के भी हीरो नहीं है उनके डिसेंडेंट्स भी यहाँ नहीं है वो टर्किक मंगोल थे तो टर्किक मंगोल तो हमारे यहाँ फैमिलीज कितनी निकलेगी पूरे देश में तो ये तो कोई उनकी औलादे भी नहीं है इतने सालों के बाद अचानक इतने लोग ये स्टेटस रखने लगे तो मैंने कहा कि मेरे मन में शंका है कि औरंगजेब की इतनी औलादे कैसे पैदा हो गई उनकी औलादे तो है नहीं तो इसका मतलब ये है कि बाय डिज़ाइन कुछ लोग कम्युनल हारमोनी खराब करना चाहते हैं वे लोग इस प्रकार की ये तस्वीरें लगा रहे हैं क्योंकि भारतीय मुसलमानों का और नेशनलिस्ट मुसलमानों का औरंगजेब हीरो नहीं हो सकता ये मेरा पूरा स्टेटमेंट है क्या गलत है बताइए इसमें कोई गलत नहीं है अब किसी ने उसमें से औरंगजेब की औलादे इतना ही निकाल दिया और कहा ये रेथोरिक में यूज करो रहा आई नेवर सेड इट अबाउट मुसलमान मैं मुस्लिमों के लिए थोड़ी मैंने औरंगजेब की औला दे मैंने ये कहा कि भारतीय मुसलमानों का भी औरंगजेब और महाराष्ट्र के अंदर हम कैसे सहन करेंगे अरे भाई हम उनसे लड़े हैं लाखों हिंदुओं को मार दिया उन्होंने देश भर के मंदिर तोड़े हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को ग्यारह दिन तड़पा तड़पा कर मारा है उन्होंने केवल एक चीज के लिए कि आप धर्म बदलो नहीं बदला संभाजी महाराज ने तो ऐसे औरंगजेब के पोस्टर अगर कोई लगाएगा तो कैसे सहन किया जाएगा तो ये डिजाइन है अचानक अच्छा इससे अगर समझ लीजिए कि हर साल लगते हैं हर ऐसा नहीं हुआ सरकार बदली और अचानक औरंगजेब के पोस्टर लगा रहे हैं औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लग रहे तो इसके पीछे कोई ना कोई तो डिजाइन है मैंने उसको डिसाइफर किया तो इसको एक रिथोरिक के रूप में ले आ गया मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्टेक्स्ट में रखकर अगर इसको देखा जाए तो मैंने बिल्कुल सही बात कही तो 2024 में भी यही बातें उठेंगी टिपू सुल्तान औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज हर जगह यही छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज इनसेपरेबल है क्योंकि हम जो सरकार चलाते हैं सावरकर नहीं, 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 उनके नाम से हम सरकार चलाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से और सावरकर या हिड़गेवर हम नहीं लाते हम तो थोड़ी जब राहुल गांधी एक नासमझ व्यक्ति की तरह आकर वीर सावरकर का अपमान करते हैं मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं अंदमान के जिस काल कोठरी में वीर सावरकर ग्यारह बारह साल रहे एक रात बिताकर दिखाए जिस प्रकार के अत्याचार सावरकर जी ने सहन किए कितने लोगों ने सहन किए देश में दो बार काला पानी की सजा होने वाला सावरकर जी के सिवा दूसरा कोई है और सावरकर जी स्वतंत्रता सेना ने तो थे ही लेकिन जाति प्रथा को हटाने के लिए सावरकर जी ने किया हुआ काम विज्ञान निष्ठता के लिए सावरकर जी ने किया हुआ काम ये सारी चीजें उनको महान बनाती है राहुल गांधी को पता ही नहीं है सावरकर क्या है ये तो कोई पढ़ा देता है कोई लिखा देता है और ये आकर यहां पर बोलते ठीक है कांग्रेस ने हमेशा स्वतंत्रवीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों को नीचा दिखाने की कोशिश की है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी एक ऐसा व्यक्तिमत्व था कि शायद उनके सामने कांग्रेस के कई बड़े नेता बोने लगते हैं। तो ऐसी चीजें अगर वो कहेंगे हम क्यों सुनेंगे तो यू uh, थिंक कि उद्धव जी या शरद पवार जी ने uh, राहुल गांधी को समझाया नहीं होगा वीर सावरकर के बारे में अगर मुझे बताइए अगर उन्होंने समझाया तो फिर वापस क्यों बोला और फिर उसके बाद वापस क्यों बोला और उसके बाद वापस क्यों बोला और कांग्रेस एक पत्रिका निकालती है एक उनका मैगजीन निकलता है उस मैगजीन में वो छापते हैं कि सावरकर ने बलात्कार किया था सावरकर होमोसेक्सुअल थे इस स्तर पर जाकर ये कैसे टॉलरेट होगा नहीं हो सकता है देखिए उद्धव जी टॉलरेट कर लेंगे सत्ता के लिए हम नहीं करेंगे कर्नाटका में सावरकर का वो चैप्टर भी निकाल दिया है जो ये राहुल गांधी करवा रहे हैं वो कर रहे उनके लोग कर रहे मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा आप सावरकर का चैप्टर निकाल सकते हो देशवासियों के दिल से सावरकर को नहीं निकाला जा सकता महाराष्ट्र के लोगों के दिल से सावरकर को नहीं निकाला जा सकता आप सावरकर या हेडगे बारे में आर यू स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन डिस को हटाने के लिए कुछ कर रहे हैं आप देखिए जरूरत नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि जितनी किताबें सावरकर जी पर लिखी हुई है उतनी शायद ही कम लोगों पर लिखी हुई है तो नए सिरे से हमको कोई इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है लोग उसको जानते हैं हाँ डिसइनफॉर्मेशन का हम जवाब देते हैं और जहाँ तक हेडगेवार जी का सवाल है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये नीति रही है आप हम पर पत्थर फेंकिए आप हमको गाली दीजिए आप कुछ भी कीजिए हम तो राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हैं हम अपना काम करते रहेंगे और इतने बार बैन लगाने की कोशिश हुई गाली देने की कोशिश हुई संग बढ़ता है संग कम नहीं होता